और अब बात राम मंदिर की। राम मंदिर को लेकर हलचल तेज हो गई है। संघ से जुड़े संगठनों ने यूपी में त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को त्रिशूल दीक्षा दी गई। इस कार्यक्रम में राम जन्मभूमि को मुक्त कराने की शपथ दिलाई गई। राज्य के 100 जगहों पर नए बजरंग दल सैनिकों की भर्ती कर त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम है। 9 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली धर्म संसद से पहले करीब 10,000 नए कार्यकर्ताओं को त्रिशूल दीक्षा देकर जोड़ने का प्लान तैयार किया गया। रायबरेली के महाराजगंज कस्बा स्थित स्वदेश सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज के प्रांगण में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल शक्ति केंद्र महाराजगंज के संयुक्त तत्वाधान में प्रदीप सैनी की अध्यक्षता में विशाल त्रिशूल दीक्षा एवं दक्षता कार्यक्रम आयोजित किया गया। त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम में बजरंग दल अवध प्रांत के पालक एवं प्रांत संगठन मंत्री भूलेंद्र मुख्य अतिथि रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष दिनेश बहादुर लोधी कर रहे थे। आपको बता दें कि कार्यक्रम में बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को स्वदेश सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज के प्रांगण में त्रिशूल दीक्षा दिलाई गई। क्षेत्र के सैकड़ों की तादाद में उपस्थित बजरंग दल के नए कार्यकर्ताओं को त्रिशूल प्रदान कर अलंकृत किया गया। इन सभी को संकल्प दिलाया गया कि हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए सभी को कृत संकल्पित होना पड़ेगा। वहीं दीक्षा कार्यक्रम में अयोध्या मंदिर पर बजरंग दल के नए कार्यकर्ताओं से कहा गया कि अभी तो हमारे सामने न्यायालय चुनौती बनकर खड़ा है, मगर तय है कि मंदिर हम बनाएंगे। हिंदू समाज 25 नवंबर को अयोध्या में पहुंचकर अपना निर्णय सुनाएगा। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य प्रभात साहू, ब्लॉक प्रमुख सत्येंद्र प्रताप सिंह, प्रांत सामाजिक समरता प्रमुख हरीश चंद्र शर्मा, प्रदीप सैनी, संचालक जिला सह मंत्री रामकरण पाल, विभाग संयोजक रमाशंकर त्रिपाठी ने अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति बनाए रखा। वहीं इस मौके पर विवेक सिंह, पवन श्रीवास्तव, शीतल, गजेंद्र मोहन, हरबंस सिंह, अखंड पलक, संत प्रसाद, रामसमुज, संतोष कुमार, जगदीश प्रसाद आदि लोग उपस्थित रहे। आइए देखते हैं रजनीकांत अवस्थी की यह रिपोर्ट। यह धर्म की लड़ाई नहीं, ये धर्म की लड़ाई है। और ये धर्म अधर्म सत्य सत्य की लड़ाई में मेरा भाई भी अगर इसके विपरीत होगा तो हम उससे भी लड़ेंगे, उससे पीछे जवाब उसको भी देंगे। क्योंकि कल्पना करो, धर्म अधर्म की लड़ाई में, सत्य सत्य की लड़ाई में जब महाभारत में वह कर्ण एक पक्ष के साथ लड़ रहा था, जो पक्ष था वो अधर्म का पक्ष था। कर्ण दोषी नहीं था, कर्ण पापी नहीं था, कर्ण धर्मी नहीं था, केवल दोष क्या था, अधर्म के साथ था। और इसीलिए उस लड़ाई के मैदान में जब रथ का पहिया फंसा तो वह नीचे उतरा रथ की पहिया को बचाने के लिए, वहां से निकालने के लिए, तो इशारा करते हैं कृष्ण भगवान, क्या देखते हो, यही समय है, उठाओ गांडीव, चलाओ गांडीव। अर्जुन गांडीव टालते हैं, कर्ण हल्ला मचाता है, क्या बोलता है, अरे अर्जुन क्या कर रहे हो, यह धर्म है, यह न्याय है, यह पाप है, तुम हमारे ऊपर तीर नहीं चला सकते, मैं पहले रथ का पहिया निकाल लूं, रथ पे आ जाऊं, धनुष उठा लूं और उसके बाद लड़ो, यही धर्म है।